हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स लेटेस्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप जब भी MIUI 10 में अपडेट करने जा रहे हैं किसी भी मोबाइल पे, तो ये एरर जो है वो हमें फेस हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये एरर हमें इसलिए आ रही है कि जो हमने अपडेट का पैकेज यानी कि फाइल डाउनलोड की है वो क्लोज बीटा की है, यानी कि आपने जो फाइल डाउनलोड की है जिप फाइल वो क्लोज बीटा की है। तो क्लोज बीटा की जो फाइल है, अपडेटर की फाइल, वो सिर्फ बीटा टेस्टर टीम के लिए बनाई जाती है, यानी कि इसके लिए आपको बीटा टेस्टर का जो मेंबर है वो बनना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों आप बीटा मेंबर नहीं है तो ये जो फ्लैश फाइल है, जो अपडेट की फाइल है, वो आप अपडेटर से फ्लैश नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको उसका आईडी चाहिए होगा, तो वो आईडी आपको बीटा टीम बनने पर ही वो आईडी जो है वो आपको मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने पब्लिक बीटा डाउनलोड की है फिर भी आपका जो मोबाइल है उस पर एरर आ रही है, तो सबसे पहले दोस्तों उसका सोल्यूशन ये है कि आपके मोबाइल पे जो स्टेबल, आप अगर स्टेबल पे है तो स्टेबल अपडेट आया होगा या फिर बीटा अपडेट आया होगा, तो उसको आपने पहले कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अपडेट करने की ट्राई करनी, यानी कि आपने जो MIUI 10 की जो फाइल डाउनलोड की उससे पहले MIUI 9 का जो अपडेट आया है उसको पहले कर लेना है। फिर यहाँ पर चूज अपडेट पे के जाके जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको कोई और प्रॉब्लम फेस हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो फाइल है वो करप्ट बता रही है, इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइल डाउनलोड की है वो सही है, पर उसका जो डाउनलोड की है उसके दौरान आपने उस डाउनलोड को पॉज किया है, या फिर आपका जो नेट है वो चला गया है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई नेटवर्क की, तो वो फाइल अपने आप ही करप्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उस फाइल को डिलीट कर दीजिए और फिर से उस फाइल को सही से डाउनलोड करना है और फिर अपडेट करने की ट्राई करनी है। तो इससे हमारा जो अपडेट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा MIUI 10 में। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एरर शो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइल डाउनलोड की है वो गलत है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जो मॉडल नंबर है मोबाइल का और जो फाइल में मॉडल नंबर लिखा होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि Redmi Note 5 का मॉडल नंबर है Redmi 5 Plus और Redmi Note 4 का जो कोड है वो Redmi 4X है, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो इसमें है या फिर नहीं है। और दोस्तों एक और बात कि आप जो फाइल डाउनलोड कर ले रहे वो लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि आप अभी जो रिलीज हुआ है पब्लिक बीटा वो है 8.7.5, तो आप जब भी डाउनलोड करें तो इससे लेटेस्ट वाला जो है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका जो नया वर्जन आया है या फिर नहीं आया है। अगर दोस्तों नया वर्जन आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल अब वर्क नहीं करेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों इससे आपके सारे जो MIUI 10 के प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम बच जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन से कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।